नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज फिल्म डंकी रिलीज हो रही है, तो डंकी के कुछ रिव्यूज आए हैं और उन रिव्यूज का विश्लेषण मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। अभी मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो मैं फिल्म देखूंगा तब रिव्यू करूंगा, लेकिन कुछ जो रिव्यूज आए, चाहे वो फिल्म बीट हो या दोस्तों ऑलवेज बॉलीवुड हो या कोई सेंसर बोर्ड के सदस्यों के रिव्यूज हो या प्रभात खबर हो या अन्य कोई वेबसाइट्स हो, उन सब कई जगह पे रिव्यूज आए हैं। उन लोगों ने फिल्म देखी है या नहीं देखी है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्विटर पे भी मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े हैं। तो अगर उन रिव्यूज की हम बात करें तो डंकी फिल्म को ज्यादातर मिलाकर के पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, ज्यादातर रिव्यूज में यह कहा गया है कि फिल्म एक एंटरटेनिंग मूवी है, एक राजकुमारी रानी की जिस प्रकार की फिल्म बनाते हो, जिस प्रकार कंटेंट बेस्ड एक जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटिंग होती है उनकी, और हर एक सीन पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हर एक सीन में उनकी मेहनत झलकती है और स्टोरी कहने का उनका एक अंदाज अलग होता है। फिल्म में थोड़ा रोमांस होता है, थोड़ा इमोशन होता है, थोड़ा सा एक्शन भी आपको मिल जाता है, हंसी मजाक कॉमेडी भी होती है। तो यही इसी श्रेणी में जो 3 Idiots पीके मुन्ना भाई जैसी फिल्में थी, उसी श्रेणी की ये फिल्म है जिसमें आपको अपने जीवन के सभी रंग देखने को मिलते हैं। और एक इलीगल इमिग्रेशन पर आधारित फिल्म है, किस प्रकार से जो दोस्त जो मतलब जो बाहर जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, और उनको किस प्रकार से शाहरुख खान हार्डी उनकी सहायता करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस कठिनाइयों से गुजरते हैं, किस प्रकार बच के निकलते हैं, उन सब के बारे में ये फिल्म बात करती है। तो काफ़ी इमोशनल तरीके से फिल्म को बनाया गया और गाने फिल्म के ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो कि आमतौर पर राजकुमारी रानी की फिल्म में हम देखते हैं कि संगीत अच्छा ही होता है, तो यहाँ पर भी संगीत प्रीतम का काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर के फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और कहा गया कि फुल एंटरटेनिंग पैसा वसूल मूवी है। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है, साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट है, चाहे वो तापसी पन्नू हो, बोमन ईरानी हो या फिर विक्की कौशल हो, उन सभी के जो दृश्य है, उनके जो रोल है, उनकी जो अभिनय है, वो भी बहुत ही अच्छा है। शाहरुख खान ने अपनी जो एक्शन छवि से थोड़ा अलग काम यहाँ पे किया है, तो उनके अलग अलग जो अंदाज है लोगों को पसंद जरूर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर ने 4 स्टार के आसपास फिल्म को रेटिंग दी है, डंकी फिल्म की जहाँ तक बात करें। हाँ, एक दो रिव्यूज मैंने ऐसे भी पढ़े जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू दी है कि फिल्म में कोई दम नहीं है, फिल्म ऐसी XCI वगैरह जो ऐसी फिल्में पंजाब में बहुत सारी बनाई जा चुकी है उनका रीमेक की तरह लगती है, स्टोरी में कोई नयापन नहीं है और शाहरुख खान काफ़ी एज दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मतलब मजा आया नहीं उनको, तो कई इस तरह के रिव्यूज भी मैंने पढ़े हैं। खैर, जो भी रिव्यूज है उनके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, अलग अलग आएगी भी और लोगों के अलग अलग विचार भी आएंगे, लेकिन जब तक हम खुद फिल्म नहीं देख लेंगे, जब तक पब्लिक फिल्म नहीं देखेगी, जब तक पब्लिक के रिव्यूज नहीं आएंगे, जब तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा, हमें रिव्यू नहीं दूंगा, तब तक इन रिव्यूज पर कितना विश्वास करें कितना नहीं करें, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको डंकी से कितनी उम्मीदें हैं। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोले।